हेलो दोस्तों, मैं सैन भट्टाचार्य और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सैन भट्टाचार्य। आज मैं कोई भैंस बनने नहीं वाला हूँ। आज मैं आप लोगों से एक प्रॉब्लम को लेकर बात करना चाहता हूँ। आज सुबह ही मुझको एक शॉकिंग न्यूज मिला है कि धर्मेंद्र सर के चैनल को 3 स्ट्राइक पड़ा है और उसका चैनल 7 दिन के अंदर अंदर बंद हो जाएगा अगर एक भी स्ट्राइक ना हटाया जाए तो। दोस्तों, ये स्ट्राइक ऐसे ही पड़ी है। उन्होंने कुछ छोटे मोटे यूट्यूबर्स को प्रमोट किया था अपने कम्युनिटी टैब में ताकि उनका वॉच आवर और सब्सक्राइबर बढ़ सकता है। दोस्तों, उन्होंने शायद किसी यूट्यूबर को अपने कम्युनिटी टैब में प्रमोट किया था और दोस्तों उसी यूट्यूबर ने उनके चैनल कॉपीराइट स्ट्राइक लगाया है। इसका मतलब तो दोस्तों वही बात हो गई कि आप किसी की मदद कर रहे हो और वो उल्टा आप ही को लात मार रहा है। आज सुबह मैंने उठकर देखा, धर्मेंद्र सर ने अपने चैनल पर एक वीडियो डाला है। मैं उस वीडियो की कुछ झलक दिखाता हूँ आप लोगों को। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। बड़े दुख के साथ बताना चाहते हैं कि मेरे चैनल पे 3 स्ट्राइक आ गया है और हमारा अपलोड ऑप्शन जो है डिसेबल कर दिया गया। मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। आज ही मेरे साथ ऐसा हुआ है। कल एक स्ट्राइक आया था, देखिए अपलोड करके दिखाता हूँ। मैं अपलोड ऑप्शन में क्लिक करने पर मेरे पास वार्निंग आ रहा है कि 7 दिन के अंदर आप एक भी स्ट्राइक हटवाइए, नहीं तो आपका 30 तारीख तक जो है डिलीट कर दिया जाएगा चैनल। तो अब ये हुआ इसलिए है क्योंकि मुझे नहीं पता था। आप यहाँ देख सकते हैं कम्युनिटी टैब में जो है कॉपीराइट क्लेम ऑप्शन, अगर दूसरे के वीडियो का लिंक डालते हैं यहाँ पे तो ये अलाउड नहीं है। बेसिकली अगर कोई बंदा जिसका वीडियो आप यहाँ लगाए हैं वो क्लेम कर दे अगर मुझे कि आपने लगाया है तो आप पे ये स्ट्राइक पड़ जाता है। और मुझे भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैंने हेल्प करने के लिए कम्युनिटी मतलब इसमें लोगों का वीडियो डाला था कि उनको मदद मिल जाए और उल्टे उन्होंने ही मेरे साथ ऐसा कर दिया कि स्ट्राइक दे दिया मुझे कॉपीराइट का कि मेरे बिना परमिशन के आपने मेरा वीडियो कम्युनिटी टैब में डाला है। तो देखा दोस्तों, और ये स्ट्राइक जिसने डाला है उसका नाम है दीपक लाल प्यारे। उसने भी एक वीडियो डाला है, रुको मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं दीपक लाल प्यारे। जैसे कि आप लोग जानते हैं माय स्मार्ट सपोर्ट को स्ट्राइक लग चुकी है, 3 दिन स्ट्राइक लगी है, उसे भी मैंने मारा है। तो मैं ये धर्मेंद्र जी को इतना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपने जो ये वीडियोस बनाए हैं मुझे नहीं अच्छा लगा बिल्कुल भी, और जितने यूट्यूब पर बाकी क्रिएटर्स जो बना रहे हैं थोड़ा भी नहीं अच्छा लग रहा है। अगर आपको स्ट्राइक हटवाना ही था तो आप उससे एक बार बात कर लेते, आप मेरा कंटेंट रिमूव कर देते, मैं स्ट्राइक आपको क्यों मारता। अभी बाय द वे जो भी हुआ आप मुझे फ़ोन कीजिएगा, धर्मेंद्र जी अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और बाकी उनके जो क्रिएटर सपोर्टर जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, भाई आप लोग से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप लोग गलत मत समझिएगा। मेरे जगह पे मैं जो मैं था मैं ठीक किया मैंने, बिकॉज उन्होंने उन्होंने यूट्यूब टर्म्स ऑफ सर्विस को वॉलेट किया, कमिटी को वॉलेट किया उन्होंने, किसी का भी कुछ भी बिना विदाउट परमिशन किया हुआ यूज़ किया। मैं तो मुझे नहीं अच्छा लगा मानने में, बट मैंने उनको कॉल करके मैं सोचा उनको बताऊँ, उनको मेल करूँ। मैंने उनको कॉल भी किया, उनका नंबर बंद आ रहा था। सेकंड मैंने फिर उनको मेल डाल दिया, फिर वो मेल का रिप्लाई मुझे दिए नहीं। आज टोटल 6 डे हो चुके हैं, 6 दिन हो चुका है। तो जाके मैंने कुछ एक्शन लिया और मैंने जो एक्शन लिया मैंने क्रेडिट लिया है। अभी भी उनके पास समय है, आज 1st डे स्टार्ट हुआ है, ओनली फॉर 6 डे, और बाकी है 6 दिन में उनका चैनल पूरी तरीके से टर्मिनेट हो जाएगा अगर वो मुझसे अभी भी बात नहीं किए तो। तो भाई, मैं इस आदमी से एक ही बात कहना चाहते हो, भाई मैं बोलना चाहता हूँ कि आपने क्या किया। अगर वो आपका दोस्त है दुश्मन है, किसी के भी साथ भी ऐसा घटिया काम नहीं करना चाहिए। और यार वो आप पे एहसान कर रहा है, आपने उल्टा उनको ही लात मार दिया। दोस्तों, मेरा एक बहुत ही छोटा यूट्यूब चैनल है जिसमें बहुत ही मुश्किल से मुझे 200 सब्सक्राइबर मिले हैं। अगर कोई मेरे वीडियो को ऐसे प्रमोट करता ना तो मैं उसको सर पे लेके नाचता। मगर यार कॉपीराइट स्ट्राइक ये भी कोई डालता है यार, तुम इंसान हो कि हैवान। मैं तो सोच रहा था कि यूट्यूब चैनल ही बंद कर दूँ, बिकॉज 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम मेरे लिए तो यार पॉसिबल नहीं है। अगर कोई मेरे चैनल को भी प्रमोट कर दे तो मुझे बहुत मेहरबानी होगी। और मैं उस दीपक लाल प्यारा को एक बात बताना चाहता हूँ यार, वो धर्मेंद्र सर का एक लौता यूट्यूब चैनल है, और एक लौता यूट्यूब चैनल नहीं, एक लौता अर्निंग सोर्स भी है यार। अगर वो चैनल बंद हो गया तो उसका अर्निंग सोर्स बंद हो जाएगा। प्लीज़ यार स्ट्राइक हटा लो, प्लीज़ यार स्ट्राइक हटा लो, मैं तुमसे विनती करता हूँ, प्लीज़ यार स्ट्राइक हटा लो। और जितने भी धर्मेंद्र सर के फैन हैं, मैं भी हूँ उनका बहुत बड़ा फैन, तो मैं सर से एक बात कहना चाहता हूँ कि सर आप चिंता मत लो, सर चिंता मत लो, ये स्ट्राइक हट जाएंगे और जो भी सब्सक्राइबर है वो भी वापस आ जाएंगे, आपका चैनल ठीक ठाक ही रहेगा सर। मैंने हेल्प करने के लिए कम्युनिटी मतलब इसमें लोगों का वीडियो डाला था कि उनको मदद मिल जाए और उल्टे उन्होंने ही मेरे साथ ऐसा कर दिया कि स्ट्राइक दे दिया मुझे कॉपीराइट का कि मेरे बिना परमिशन के आपने मेरा वीडियो कम्युनिटी टैब में डाला है। प्लीज़ आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, किसी के वीडियो से बिना परमिशन के कम्युनिटी टैब में मत डालिएगा, ये इलीगल है, यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ है साफ साफ।
बस मदद कीजिए, अगर मेरा चैनल बचता है तो मैं क्या कहूँ। मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा, जिन लोगों से जिन्होंने मेरे चैनल को पे स्ट्राइक दिया है, कि प्लीज़ वापस कर लीजिए। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज़। ओके दोस्तों, मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक बने रहिए मेरे चैनल साइन भट्टाचार्य पे। और प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दो। 1,000 चैनल सब्सक्राइबर नहीं हुए तो मेरे चैनल का मोनेटाइजेशन फिर से बंद हो जाएगा। बहुत मेहनत लगा कि ये मोनेटाइजेशन मैंने चालू की थी। ओके दोस्तों, बाय।